सर्दी थी, 6 बजे राहुल ठीक निकल जाते हैं आजकल, वो पहले 6:15 6:30 यात्रा हो जाती थी, कई बार 7 हो जाती थी, राहुल 6 बजे निकल के वार्म अप करके अपने तैयार और वही हाफ सफेद टी शर्ट। और हालत ये थी उस टाइम की, वहां पे 7 डिग्री टेम्परेचर था, जेब से हाथ निकालना मुश्किल था, हम फोन निकाल के फोटो खींचना चाह रहे थे तो हमारे हाथ कह रहे थे कि रहने दो, ट्वीट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो बंदा जो है वो चल रहा था। तो हम बता ये रहे हैं कि राजदीप का आना या किसी का भी आना वो यात्रा की बहुत बड़ी सफलता है। मीनू जी और प्रकाश जी सही कह रहे थे कि लोग इसलिए आ रहे हैं कि आप उसके बिना आप रह नहीं सकते। और जो हमने लिखा उसके बाद में कि राजदीप को भाग के उसको कवर करना पड़ा और राजदीप को उसकी सफाई भी देना पड़ी कि भागना मेरा सहज नहीं है, मैं सामान्य तौर पर नहीं भाग रहा हूं। लेकिन तो अब भीड़ की आप बात कर रहे हैं, भीड़ का आज आलम ये था कि सड़क के दोनों किनारों पर लोग सुबह 5 बजे से लाइन लगाए खड़े, अलाव जला लिए लोगों ने। जब राहुल आते थे तो कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि जलती हुई आग छोड़ के सर्दियों में लोग भाग ले, निर्भर आग के पास बैठे रहते हमारे यहाँ के लोग। तो सारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में अलाव तापना सर्दियों में सबसे बड़ा काम होता है। तो वहां हमने फोटो खींचा है उसका, वो डाला है वो अपने कि आग जल रही है, अलाव जल रहा है, एक भी आदमी पास में नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल आए, सब राहुल के साथ चल दिए। तो ये जो भीड़ है आज बड़ी जबरदस्त तौर पे उबड़ी है और लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, लोग राष्ट्रभक्ति के गाने गा रहे थे, औरतें आदमी बच्चे बुजुर्ग चल रहे थे, बहुत सारे लोगों से बात करी और लोगों में उत्सुकता के साथ में एक विश्वास है कि नहीं भाई ये आदमी कुछ करेगा, ये आदमी 100 दिन से पैदल चल रहा है। और दूसरी बात, लोग इसलिए भी बहुत खुश थे कि 100वां दिन जो है आज दोसा को मिला, इस 100वें दिन की अपनी एक महत्व है, तो इसकी वजह से भी लोग बड़े खुश थे। और लोग जितने निकले हैं उसका कोई जवाब नहीं, राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि राजस्थान ने बहुत बड़ा स्वागत किया और फिर उन्होंने हंस के ये कहा कि मैं जिस भी राज्य में जाता हूं उसके बाद मुझे लगता है कि इसने सबसे अच्छा कर लिया। उन्होंने ये बात महाराष्ट्र के बारे में कही थी, कर्नाटक के बारे में कही, अभी मध्य प्रदेश में भी हम थे, मध्य प्रदेश के बारे में भी कही उन्होंने, आज राजस्थान के बारे में भी कह रहे हैं और सच कह रहे हैं। हर जगह एक से बढ़ के एक स्वागत हो रहा है उनका, एक से एक ज्यादा लोग सड़कों पे आ रहे हैं। आप मत सोचिए कि सुबह 5 बजे से, क्योंकि हम यहाँ जयपुर में रुके थे आके दिल्ली से, तो जयपुर से हम करीब 4:30 बजे 4:35 या 4:40 में निकल गए और 4:35 और 4:40 में निकलने के बाद रास्ते में हमें जगह जगह भीड़ मिलती चली। तो ये सुबह के टाइम में कौन निकलता है आजकल, और पत्रकारों के लिए भी निकलना मुश्किल है, मगर वो 16वां दिन था, राहुल की यात्रा थी तो सब आए। तो इसलिए बड़े पत्रकार, छोटे चैनल के बड़े यूट्यूबर बहुत बड़ी तादाद में आए थे। आप जो बात कर रहे थे हम आंकड़ा सही से नहीं बता पाएंगे, आज वहां कई लोग बता रहे थे, यूट्यूबर बहुत सारे आए हुए थे, कांग्रेस के नेता आए थे कि राहुल गांधी का जो यूट्यूब का पेज है वो कितने मिलियन पे आ गया। हम फिर कह रहे हैं कि हम सही नहीं बता पाएंगे क्योंकि मिलियन में और इसमें कुछ हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन वो कह रहे थे बहुत बड़ी सफलता है। और दूसरी बात वो ये बता रहे थे कि एक राहुल का जो प्रोग्राम होता है उसको इतने ज्यादा लोग देखते हैं, उसमें इतने ज्यादा कमेंट आते हैं कि वो अपने आप में रिकॉर्ड है। कह रहे थे मोदी जी के फॉलोअर ज्यादा हैं मगर जो इन्वॉल्वमेंट होता है जिसे कहते हैं वो राहुल जी का बहुत ज्यादा है। तो ये जागरूकता बढ़ रही है और मेन मीडिया दिखाए न दिखाए मजबूरी में उसको दिखाना पड़ता है, कभी नहीं दिखाता, मगर वहां आज बहुत सारे लोगों से बात हुई और सबने ये कहा, आपके डीवी लाइव का जिक्र इतने लोगों ने किया हमसे, इतने लोगों ने बताया कि उन्होंने डीवी लाइव पे देखा है। कई लोगों ने हमसे कहा कि आपने डीवी लाइव पे ये बोला था, हमने कुछ गलत तो नहीं बोला था। तो वहां इतना यूट्यूब देखा जा रहा है, इतना डीवी लाइव देखा जा रहा है, हम तो वाकई सही कह रहे हैं, आश्चर्य की तो हम तो हमसे उन्होंने कहा कि आज शाम को आप बताएंगे ये सब। तो आज अभी हम सोचिए आप कि हम 3:30 बजे के उठे हुए हैं, कल शाम को वहां से चले थे, और उठना इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ी देर हम बेड पे लेट गए थे 1:30-2 बजे के करीब, तो उसके बाद अभी भी अभी आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और अभी जिस आप म्यूजिक कंसर्ट का जिक्र कर रहे थे तो अभी लोग कह रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि साहब वहां नहीं चलना क्या, वहां राहुल जी बैठे हुए हैं, हम टाल रहे हैं कि अच्छा अच्छा आते हैं, हम थोड़ी देर से आते हैं, गाना सुनने के लिए जाइए आप भी सुनिए। बिल्कुल हम गाना सुनने नहीं जाएंगे, हम इसलिए देखने जाना चाहेंगे कि वो कांग्रेस के नेता और राहुल क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल 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 जाएंगे।
बिल्कुल प्रशांत तो जी ये की सारी बात आवाज आ रही हाँ है। जी 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 शकील भाई, शकील भाई कुछ कह रहे हैं आप? हाँ हम यही बस बता रहे हैं आपको कि वाकई यात्रा बहुत सफल है, और जी राहुल ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें उन्होंने सारे मुद्दे उठाए, और उसमें एक बात और बस खाली बताना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा सवाल राजस्थान को लेकर हुए, और जाहिर है कि राजस्थान के पत्रकार थे, सबको ये था कि राजस्थान में आप क्या करेंगे, अशोक गहलोत की सचिन पायलट, राहुल ने कोई साफ जवाब नहीं दिया, राहुल ने कहा कि खड़गे जी देखेंगे, खड़गे जी का मामला है, अच्छा चलिए और एक हमारे एक यहाँ एक बात जरूर, जब ये वहाँ का सवाल आ रहा है तो एक सवाल का जवाब और दे दीजिए कि आखिर आज क्या कारण था कि सचिन पायलट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। इसका जवाब तो वहां सारे राजस्थान के पत्रकार ढूंढ रहे हैं कि क्यों नहीं आए, हर जगह सचिन पायलट मौजूद थे, और दूसरे सभी राज्यों में आपने भी देखा कि जो अगर असंतुष्ट नेता होता है वो भी आता है, सारे बड़े नेता आते हैं, मगर ये अशोक गहलोत खाली अकेले थे, और न केवल अकेले थे बड़े गदगद भाव से थे, उनके हाव भाव बता रहे थे कि वो काफी संतुष्ट हैं, अशोक गहलोत के अनुसार उन्हें लगता है कि वो अब सेफ जोन में आ गए हैं, और बहुत पत्रकारों ने अलग अलग तरह से घुमा के सवाल पूछे, लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया इसके बारे में, उन्होंने यही कहा कि ये हमारी पार्टी में चलता है, लोकतंत्र है, कोई बहुत ज्यादा अगर कुछ करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, और ये खड़गे जी का मामला है, खड़गे जी देखेंगे, उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, और इसका जो एक मतलब राजस्थान का मीडिया निकाल रहा था, हम फिर कह रहे हैं वो ज्यादा जानकार है, सारे सीनियर पत्रकार वहां पे थे, बहुत सारे हमारे पुराने दोस्त भी मिले वहां पे, यंग भी थे, तो उन सबसे हमने बात करी, उनका जो मोटा मोटा आकलन था वो यही था कि शायद जो स्थिति है राजस्थान में वही कंटिन्यू रहेगी, कोई फेरबदल होने की उन्हें नहीं लगता कि कोई संभावना थी, और इसी तरह अशोक गहलोत बहुत दिनों बाद आज बड़ी कंफर्टेबल मुद्रा में दिखे हमें, और वो उनके हाव भाव बता रहे थे कि हाँ वो संतुष्ट है, और सचिन का न आना तो अपने आप में एक सवाल है ही, जिसका जवाब तो कोई दे नहीं सकता कि वो क्यों नहीं जी आए, या अशोक गहलोत ने किस तरह मैनेज किया कि उन्हें आने नहीं दिया, जी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस वही 5-7 लोग बैठते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल शकील भाई बिल्कुल सही। लेकिन एक तरफ कॉन्फिडेंट तो दिखाई दे रहे हैं अशोक गहलोत, लेकिन सचिन पायलट का नहीं आना और बाद में चुनाव में दो गुट अगर आपस में लड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये भी एक सवाल है जिस पर कई बार हम लोग चर्चा करेंगे। आना चाहूंगा प्रशांत टंडन जी के पास। जी जी शकील जी हाँ उसके बारे में जो यहाँ पे चर्चा है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं या जी दिन भर बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई, खासतौर से पत्रकारों से, यहाँ के नेताओं से, दूसरी पार्टी के नेता ही मिले, तो उनका कहना है कि ये सब कुछ डिपेंड इस पे करेगा कि बीजेपी क्या करती है, बीजेपी अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाती है यहाँ की स्थितियां बहुत मजेदार हो सकती, यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के जो असंतुष्ट नेता हैं वो क्या करेंगे ये देखना पड़ेगा, इसलिए राजस्थान जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं सबसे ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है, कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट का सवाल है, तो बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे का सवाल है कि वसुंधरा राजे के हाथ में कमान दी जाती है या नहीं, बस हमें इतना ही कहना था, और उसके जी बाद अगर आपकी आज्ञा हो